हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, आज सेवेंथ पे कमीशन से रिलेटेड जो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है। सेवेंथ पे कमीशन में जो लेटेस्ट जो अभी अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें जो सैलरी इंक्रीज़ है और किन एम्प्लॉयज़ के लिए सैलरी इंक्रीज़ है, और काफ़ी टाइम से जो ये एम्प्लॉयज़ इसके लिए वेट कर रहे थे, तो हम बात करेंगे इन सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि सेवन्थ पे कमीशन से रिलेटेड है। और इसकी अनाउंसमेंट अभी अभी हुई है, तो हम बात करेंगे पूरा डिटेल में, और मैं आपको पूरा का पूरा जो इसका न्यूज़ है उसको आपको पूरा का पूरा बताऊंगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सेवन्थ पे कमीशन से रिलेटेड इस गुड न्यूज़ के बारे में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये है अपडेट जो कि सेवन्थ पे कमीशन के लिए अभी लेटेस्ट आया हुआ है, जिसमें कि अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि सेवन्थ पे कमीशन किसके लिए इम्प्लीमेंट हुआ है, तो ये हुआ है दिल्ली जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, फॉर देम दिस हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड एंड दे विल बी गेटिंग TA दैट वॉज नॉट बींग पेड अर्लियर। सो TA के अनाउंसमेंट हुआ है, एंड DTC बोर्ड अभी लेटेस्ट जो उनका मीटिंग हुआ था, इससे बेसिकली जो भी DTC के जो एम्प्लॉयज़ हैं, देर आर मोर देन 11,000 एम्प्लॉयज़ हुआ वर्किंग इन DTC एंड हु विल बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट एंड विच दे विल बी गेटिंग द TA। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो द पीपल हु आर वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट, उनको बेसिकली दे विल बी गेटिंग यूनिफॉर्म। और अभी बेसिकली क्या था कि जो रेगुलर DTC एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर गेटिंग ऑनली यूनिफॉर्म्स, बट अब इस अनाउंसमेंट के बाद से जो कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम कर रहे हैं, दे विल ऑल्सो गेट द यूनिफॉर्म। तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर दोनों को अब यूनिफॉर्म मिलेगा, बट जो TA है, TA जो है इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, और सेवन्थ पे कमीशन के अंडर जो है, इट हैज़ बिन डिसाइडेड दैट दे विल बी गेटिंग TA एंड देन दे विल बी गेटिंग द हाइक इन द सैलरी। तो सैलरी में भी हाइक मिलेगा, और इसमें जो है जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं और उनको बेसिकली दे हैव टू सरेंडर देयर डेस्टिनेशन पास, और हर कर्मी को गर्मी के मौसम देखते हुए यूनिफॉर्म के 2 सेट और सर्दी के लिए 1 सेट दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली 2 सेट ऑफ यूनिफॉर्म विल बी गिवन, और TA देने के बाद से जो है ये फाइनेंशियल बर्डन तो हमेशा गवर्नमेंट पे आता ही है, तो वो बेसिकली एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड नहीं है, बट जो भी बर्डन आएगा, बट अगर हम एज ए एम्प्लॉय की बात करें तो उनको बेनिफिट होने वाला है। और जब भी कोई अनाउंसमेंट होती है तो सरकार पे खर्चा का पड़ता ही है, बट उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ भी परेशान हैं उनको भी मिलना चाहिए। तो अगर हम पॉजिटिवनेस की बात करें तो एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट होने वाला है, और ये बेसिकली दोनों कॉन्ट्रैक्ट और जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए सेवन्थ पे कमीशन के तरफ से बहुत ज़्यादा राहत नहीं है, बट थोड़ी बहुत राहत है, जिससे कि जो है दे विल बी गेटिंग इंक्रीज इन द सैलरी। तो दोस्तों, ये था आज का सेवन्थ पे कमीशन से रिलेटेड अपडेट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।